సుఖకర్తా కూతుకర్తా బప్ప వినాయక వీరజవందన పార్వతి నందన బప్ప వినాయక సర్వజనార్థే ప్రియ దైవత బప్ప వినాయక మహాద్వారయ నగరీ సాతు రాజా వినాయక వినాయక। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामास्वामी। ये है ऑल न्यू 2023 होंडा साइन 125 का अपडेटेड मॉडल। अब यहां अपडेट क्या आया है, सबसे पहले को मेजर अपडेट दिया गया है, BS6 फेस टू वाला अपडेट दिया गया है, OBD2 सेंसर ऐड ऑन कर दिया गया है। साथ ही साथ देखो आपको E20 का स्टिकर लगाया गया है, मतलब इस बाइक में आपको E20 कंप्लाइंट इंजन दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसको हल्के से कॉस्मेटिक चेंज भी किए गए, हल्के से ग्राफिक को चेंज किया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको 2023 होंडा साइन 125 में हुए चेंजेस, इसमें मिलने वाली फीचर्स, 2023 में इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें टोटल कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने कलर ऑप्शन है, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस बाइक को सिनेमेटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. सबसे पहले अगर बात करें साइन 125 के वेरिएंट्स की, तो इसमें टोटल 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं डिस्क वाला वेरिएंट है, इसके अलावा भी इसको ड्रम वाला वेरिएंट आता है। अगर बात करें इसके कलर ऑप्शन की, तो इसमें आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ब्लू मेटालिक कलर है, इसके अलावा भी आपको ब्लैक आता है, ग्रे मेटालिक आता है, रेड मेटालिक आता है, मैट एक्सेस ग्रे आता है। ब्लैक के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, तो साइन 125 का ये फ्रंट का लुक है। आप सबसे पहले फ्रंट का लुक देखो, काफी अच्छा लुक दिया गया है। सबसे पहले जो क्रोम का टच दिया गया है ना, देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ आपको हैलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है, सेंटर में आपको होंडा का ब्रांडिंग मिल जाएगा। यहाँ विंड वाइज आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया है, हल्के से यहाँ ग्राफिक्स दिए गए हैं, ये ब्लू कलर के ऊपर हल्के से ग्राफिक्स दिए गए हैं। ये जो ग्राफिक्स दिया गया ना, हल्का सा चेंज किया गया, ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। यहाँ सेंटर में आपको नंबर प्लेट की जगह मिलता है। अगर बात करें टर्न इंडिकेटर की, देखो टर्न इंडिकेटर आपको हालने की दिया गया है, नॉन फ्लेक्सिबल है। अगर बात करें मडगार्ड की, देखो मडगार्ड यहाँ ब्लू मेटालिक में दिया गया है। बाकी देखो उसके बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा फाइबर का दिया जाता है, पर होंडा में फिट एंड फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा आता है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि होंडा साइन 125 का ये फ्रंट लुक आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं इसके सस्पेंशन को। अगर बात करें सस्पेंशन की, सबसे पहले आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, उसके ऊपर आपको यहाँ एक रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है। अगर बात करें ब्रेकिंग की, तो ये डिस्क वाला वेरिएंट है, इसलिए आपको 240 एमएम का डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर आप ड्रम वाला वेरिएंट लोगे, तो आपको 130 एमएम का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। अगर बात करें टायर सेक्शन की, देखो आपको TBS का ट्यूबलेट टायर मिलता है, और आपको 80x100 18 इंच का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है। बाकी देखो अलॉय यहाँ पर ब्लैकआउट में दिया गया है। चलिए देखते हैं इसके राइड के प्रोफाइल को। अगर बात करें राइड से, तो राइड से बाइक कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका कलर देखो, ये जो ब्लू मेटालिक कलर दिया गया है ना, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। बाकी अगला चेंज देखो, ये जो हल्के से ग्राफिक्स दिए गए हैं, इसको चेंज किया गया है, मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है ना, इसमें आपको जैसे ग्रे दिया गया है, ब्लू दिया गया है, डार्क ग्रे दिया गया है, ब्लैक दिया गया है, व्हाइट दिया गया है, तो जो कलर कॉम्बिनेशन है हल्का सा चेंज किया गया है, ज्यादा चेंज नहीं किया गया। बाकी ये पार्ट जो है ना, जैसे ये ग्राफिक्स जो दिया गया ना, हल्के से चेंज किए गए हैं, ज्यादा इसमें चेंज नहीं किया गया है। बाकी देखने में ऑलरेडी काफी अच्छा लगता है। बाकी देखो टैंक के ऊपर आपको होंडा का 3D बैचिंग मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपको 125 का स्टिकरिंग दिया गया है, हल्के से ग्राफिक्स दिए गए हैं। रियर पार्ट में आपको साइन लिखा हुआ मिल जाएगा, हल्के से ग्राफिक्स दिए गए हैं। बाकी देखो ये जो कलर है ना, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर बात करें सीट की, देखो सीट आपको काफी लंबा दिया जाता है, यहाँ आपको 651 mm का सीट लेंथ दिया जाता है, जो कि काफी बड़ा है, दो आदमी तो आराम से बैठ सकते हो, पर साथ में आपको सामान वगैरह भी रख सकते हो। अगर बात करें ग्रैबल की, देखो ग्रैबल आपको काफी मेटल का दिया गया है और काफी स्ट्रांग है, और देखने में जो कलर है ना, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी जो सीट है ना, सीट का जो डिजाइन बनाया गया ना, हल्का सा ये राइडर का नीचे पिलियन का, अब तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, जो कर्व दिया गया है। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बताया काफी लंबा है। अगर बात करें फुटरेस्ट की, देखो फुटरेस्ट की बिल्ड क्वालिटी को काफी अच्छी है, फिट एंड फिनिशिंग देखो बहुत अच्छा आता है, होंडा में ना काफी अच्छा फिट एंड फिनिशिंग आता है। बाकी देखो इसके ऊपर जो रबर का ग्रिपिंग लगा दिया गया है ना, ये भी काफी प्रोटेक्ट करता है, मतलब पैर स्लिप नहीं करता है। बाकी देखो यहाँ राइडर का भी आपको ये फुटरेस्ट दिया गया है, यहाँ आपको ब्रेक लेवर दिया गया है, पूरा ब्लैकआउट दिया गया है, इंजन भी आपको पूरा ब्लैकआउट किया गया है, यहाँ आपको होंडा का ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ आपको लेग गार्ड लगाया गया। अगला चीज देखो, साइन 125 में अभी भी आपको किक मिलता है। आजकल आप जनरली देखते होगे ना, जो भी बाइक अपडेट होता है ना, BS6 फेज 2 में अपडेट होता है, या नया बाइक भी लॉन्च होता है ना, जनरली कंपनी वहां से किक को हटा दे रही है, लेकिन होंडा अभी भी साइन 125 में आपको किक दे रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किक जो दिया जा रहा है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर बात करें एग्जॉस्ट की, काफी स्लिक से एग्जॉस्ट दिया गया है, उसके ऊपर जो ये मफलर गार्ड लगाया गया ना, क्रोम पार्ट का लगाया गया, तो काफी प्रीमियम लग रहा है देखने में। अगर बात करें रियर साइड की, देखो रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, 130 एमएम का ड्रम ब्रेक मिलता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, देखो आपको TBS का ट्यूबलेट टायर मिलता है, 80x100 18 इंच का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है।
अगर बात करें रियर सस्पेंशन की, देखो रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है और ये 5 स्टेप में एडजस्टेबल है। देखो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो ये काफी अच्छा रहता है। अब मेन बात करते हैं इसके इंजन की। देखो आपको 123.94 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 Phase 2 OBD2 E20 वाला FI इंजन दिया जाता है। इस इंजन में जो अपडेट आया ना, BS6 Phase 2 का अपडेट है। अब कुछ लोग BS7 भी बोलते हैं, BS6 Phase 2 भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल लो, मेन अपडेट वही आया है। देखो BS6 Phase 2 को अपडेट देने के लिए इंजन डायमेंशन वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आपको बोर 50 का मिल जाता है, स्ट्रोक 63.12 का मिल जाता है। अगर बात करें पावर की, देखो मैक्सिमम पावर काफी अच्छा है, 10.6 BHP का मैक्सिमम पावर मिल जाता है 7500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क यहाँ 11 न्यूटन मीटर का मिल जाता है 6000 RPM पे। पावर और टॉर्क ऑलरेडी इस बाइक में काफी अच्छा आता है, बाकी यहाँ पे आपको माइलेज भी काफी अच्छा मिल जाता है, माइलेज मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए देखते हैं इसकी रियर सेक्शन को। अगर बात करें रियर से, तो रियर से बाइक कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका रियर का लुक देखो, आपको हैलोजन टेललाइट मिल जाता है, सेंटर में आपको एक रिफ्लेक्टर लगाया गया, नंबर प्लेट की जगह दिया गया। बात करें टर्न इंडिकेटर की, आपको हैलोजन की दिए जाते हैं, हल्के से फ्लेक्सिबल, ज्यादा नहीं है। बाकी इसका रियर का लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा। चलिए देखते हैं इसके लेफ्ट के साइड को। अगर बात करें लेफ्ट से, तो लेफ्ट से ये बाइक कुछ ऐसा लगता है। लेफ्ट से इसका लुक देखो, आपको राइट की तरफ पूरा ये ग्राफिक्स दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हल्के से ग्राफिक्स को चेंज किया गया, हल्के से कॉस्मेटिक चेंज किए गए, ज्यादा इसमें नहीं है। बाकी देखो आपको टैंक के ऊपर 3D में आपको होंडा का एक ब्रांडिंग मिल जाएगा। यहाँ ये देखो, ये क्रोम का पार्ट लगाया गया है, ये जो क्रोम का पार्ट लगाया गया ना, इसके उससे काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। यहाँ पे आपको वांटेड ड्राइव पैचिंग मिल जाएगा, हल्के से स्टिकर है ये पूरा, ये मेटालिक ब्लू कलर में दिया गया है, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, जो ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन बनाया गया है। बाकी रियर साइड में आपको साइन का स्टिकर मिल जाएगा, हल्के से ग्राफिक्स दिए गए हैं। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बताया इसका फुटरेस्ट काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी का है। अगर बात करें गियर की, देखो आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। अगर बात करें स्टैंड की, देखो आपको मेन स्टैंड मिलता है और साइड स्टैंड मिलता है, और साइड स्टैंड में आपको इंजन कटअप सेंसर भी लगाया गया, तो ये भी काफी अच्छा रहता है। मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना, ये चीज काफी अच्छा रहता है। मतलब चलते में अगर स्टैंड लग जाता है तो अपने आप आपको इंजन कटअप हो जाएगा, या लगा रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा, ये एक सेफ्टी फीचर है। अगर बात करें चेन सेट की, देखो आपको फुली कवर चेन दिया जाता है। बाकी देखो ये आपको यहाँ फाइबर कर दिया जाता है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, फिट एंड फिनिशिंग काफी अच्छा लग रहा है। देखो होंडा के बाइक में वैसे भी मेंटेनेंस ज्यादा नहीं खोजता है, बस टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो, आपका बाइक काफी अच्छा चलता है। बाकी जो फुली कवर दे दिया जाता है ना, ये भी काफी प्रोटेक्ट कर देता है। अगर ओपन रहता है तो आपको बार बार वॉश करके लूप करना पड़ता है। अगर बात करें साड़ी गार्ड की, देखो यहाँ कंपनी फिल्टर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। बाकी देखो लेडीज यहाँ फुटेज भी दिया जाता है, अगर आप लेडीज प्लेन वगैरह बैठाते हो ना, तो उनका साड़ी दुपट्टा फंसने का काफी चांस रहता है, तो ये चीज ना काफी प्रोटेक्ट कर देता है। मैंने देखा है जिसमें नहीं रहता है वहाँ एक्सीडेंट होते हुए देखा है, तो ये चीज काफी प्रोटेक्ट कर देता है। अब बात करते हैं इस बाइक की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात किसके ओवरऑल लेंथ की, तो ओवरऑल लेंथ 2046 mm का मिल जाता है, ओवरऑल लेंथ यहाँ 737 mm का मिल जाता है, ओवरऑल हाइट यहाँ 1160 mm का मिल जाता है, सीट हाइट काफी अच्छा है, 790 mm का सीट हाइट है, व्हील बेस यहाँ पे 1285 mm का मिल जाता है। कर्व वेट इस बाइक का काफी हल्का, 113 kg का कर्व वेट है। अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, देखो आपको 10.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है। बाकी इसमें माइलेज भी काफी अच्छा मिल जाता है, माइलेज मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। बाकी देखो इसके ऊपर आपको E20 का स्टिकर लगाया गया है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसमें आपको E20 कंप्लाइंट इंजन दिया जा रहा है, मतलब एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो आने वाला है ना, वो आप यहाँ रखवा सकते हो, और जब तक नहीं आता है तो नॉर्मल पेट्रोल रखवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होता। अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की। देखो आपको एनालॉग मीटर कंसोल दिया जाता है, इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, यहाँ आपको ये फ्यूल गेज मीटर मिल जाता है। बाकी देखो सेंटर में आपको साइन का ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर का लाइट मिल जाएगा, बाकी देखो आपको हेडलाइट का लाइट मिल जाएगा। अभी यार इसमें बैटरी कनेक्शन है इसलिए आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, देखो डिजिटल तो मिलता नहीं है, तो वैसे भी आप देख के ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन देखो ये बजट सेगमेंट बाइक है, ये काफ़ी सस्ती बाइक आती है, वैसे माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर बात करें स्विचेस की, देखो आपको पास लाइट के साथ अपर बीम लोअर बीम इंडिकेटर स्विच मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, एक हॉर्न का स्विच मिल जाता है, इंजन किल स्विच के साथ यहाँ आपको इंटीग्रेटेड इग्निशन का बटन दिया गया है। बाकी की वगैरह देख लो, आपको नॉर्मल सा की मिलता है, इसमें आपको होंडा के ब्रांडिंग मिल जाएगा। अगर बात करें मिरर की, देखो मिरर भी आपको यही साइन वाला SP वाला ही मिलता है, इसमें आपको ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। देखो उसकी बिल्ड क्वालिटी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा आता है, बाकी पूरा ब्लैकआउट दिया गया है। अब मेन बात करते हैं इसके माइलेज की। देखो आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है, देखो ये आपको 55 से 60 km/h का माइलेज तो आराम से मिल जाता है। देखो ये माइलेज है ना, आपके टोटली डिपेंड करता है राइडिंग कंडीशन पे, रोड कंडीशन पे, आपका स्पीड क्या है, काफी फैक्टर मैटर करता है। लेकिन इस बाइक को आपने नॉर्मल स्पीड चला लिया ना, तो यहाँ 55 से 60 km/h का माइलेज तो आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी जिनके पास ये बाइक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको माइलेज कितना मिलता है। अब मेन बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखो ये डिस्क वाला वेरियंट है, इसका ऑनर प्राइस पुणे में 1,06,000 के अराउंड आता है। बाकी आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं,
अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। और मैं स्पेशल थैंक देना चाहूंगा ओम व्हील्स होंडा तलेगांव का, जिन्होंने बाइक मुझे प्रोवाइड किया रिव्यू करने के लिए। शोरूम की सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विद मैप लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मेरे दोस्त पुणे से बिलोंग करते हैं, इस बाइक को लेना चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या शोरूम विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी होता, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे इंस्टाग्राम आईडी देखा है, आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।